दोस्तों, नीलगिरी तहर भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत और पश्चिम घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला जंगली प्राणी है, जिसका निकट संबंधी जंगली बकरी और भेड़ होते हैं। इसे स्थानीय बोलचाल में नीलगिरी साकिन के नाम से जाना जाता है। यह एक संकटग्रस्त जाति है। इसका निवास स्थान दक्षिणी पश्चिमी घाट के पर्वतीय वर्षा वनों के खुले पर्वतीय चारागाह हैं। ये चारागाह कम ऊंचाई पर घने जंगलों से घिरे रहते हैं। यह पहले बड़े झुंडों में इन घास के मैदानों में चरते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में इनके आखेट और अवैध शिकार की वजह से 20वीं सदी की शुरुआत में इसकी संख्या महज 100 के आसपास रह गई थी, जो कि अब बढ़कर 2000 के आसपास हो गई है। और इसी कारण से इस प्रजाति को संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इसका आवास क्षेत्र उत्तर से दक्षिण में 400 किलोमीटर में फैला हुआ है। तमिल भाषा में इसके नाम का अर्थ है खाई की बकरी, जबकि हाल के अनुसंधानों से यह पता चला कि यह बकरी से अधिक भेड़ का संबंधी है। यह एक गठीले बदन का प्राणी है, जिसके खाल के बाल छोटे और रूखे होते हैं और चुभने वाली आयाल होती है। नर्मादा से बड़ा होता है और बड़े होने पर इसका रंग और भी गाढ़ा हो जाता है। नर और मादा दोनों के पास सींग होते हैं, जो कि घुमावदार होते हैं। नरों में यह 40 सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हैं, जबकि मादाओं में ये थोड़ा छोटे होते हैं और इनकी लंबाई करीब 30 सेंटीमीटर तक होती है। अगर इनके वजन के बारे में बात करें तो नर का वजन करीब 80 से 100 किलोग्राम तक होता है और कंधे तक लंबाई 100 सेंटीमीटर तक होती है। बड़े नरों की पीठ हल्के स्लेटी रंग की होते हैं, जिससे इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको नीलगिरी तहर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।